शनिवार को गया जिले की बोधगया के खराटे स्थित हंसराज पब्लिक स्कूल के हेड ब्रांच में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास 9th के स्टूडेंट ने 10वीं के छात्रों के व्यापक रूप से फेयरवेल पार्टी के साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी। इस दौरान छात्रों एवं कलाकारों द्वारा गीत संगीत की आकर्षक प्रस्तुति की गई। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिका, निर्देशक मनीष रुखियार, प्रिंसिपल सुरभि रुखियार सहित प्रबंधन से जुड़े कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि जूनियर छात्रों के द्वारा हमें फेयरवेल पार्टी दी गई है, इसमें हमें काफी खुशी महसूस हो रही है। इतने दिनों की पढ़ाई करने के बाद हम लोग स्कूल से अलविदा हो रहे हैं। उज्जवल भविष्य की कामना के साथ लोगों ने हमें बधाई दी, इससे हमें काफी अच्छा लगा और यहाँ हम लोगों ने काफी कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की है। खासकर शिक्षकों के द्वारा हम लोगों के ऊपर कड़ी मेहनत की गई, यही कारण है कि विगत कई वर्षों से हमारे स्कूल का परिणाम काफी बेहतर होता चला आ रहा है। हंसराज स्कूल में फेयरवेल फंक्शन हो रही है और हम लोग इस स्कूल में बहुत बहुत सालों से पढ़ रही हूँ और आज मेरा ये लास्ट डे है स्कूल का। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ के टीचर ने हम सबको अच्छे से तैयारी करवाया है और हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन किए हैं अपने एग्ज़ाम को लेके और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें और इस स्कूल का नाम आगे बढ़े। आप लोग को फेयरवेल दी जा रही है और इसी की खुशी आज हमारे स्कूल ने हमें फेयरवेल दिया, इसके लिए हम लोग स्कूल को थैंक यू बोलना चाहते हैं। कैसा लगा यहाँ पे पठन पाठन में, क्या खास बात है यहाँ पे? ये कि बच्चे को अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाया जाता है, रिवीजन करवाया जाता है समय समय पे, टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। क्या फंक्शन हो रही है? जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारा हंसराज पब्लिक स्कूल, इन्होंने आज यहाँ कक्षा 9वीं के छात्रों ने हमारे 10वीं कक्षा के लिए फेयरवेल का ऑर्गेनाइजेशन किया है। हमने इस स्कूल में, मैंने खास करके इस स्कूल में अधिकतर समय स्कूल में बिताया है, मैंने 14 साल स्कूल में बिताया है, तो स्कूल से जुड़ बहुत सारी जुड़ी यादें रह गई हैं मेरी। मैं स्कूल से दूर जाना नहीं चाहता, लेकिन अब ऐसा काम है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन स्कूल में बहुत सारी फैकल्टी भी प्रोवाइड की गई है हम लोग को, जैसे कि खास करके मैंने पढ़ाई और म्यूजिक दोनों को बैलेंस करते हुए चला है। और स्कूल के हमारे जितने भी टीचर, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, खास करके मेरे क्लास टीचर हैं, जितने भी मेरे टीचर क्लास टीचर के साथ जितने भी मेरे टीचर हैं, स्कूल के स्टाफ मेंबर सभी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और मैं चाहता हूँ कि सारा स्कूल इस स्कूल की तरह बन जाए। आई एम लीना चक्रवर्ती ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दिस इज़ आवर हंसराज पब्लिक स्कूल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट। टुडे इज़ आवर फेयरवेल एंड यहाँ पे हम सबको फेयरवेल पार्टी दी जा रही है, जो कि हमारे जूनियर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ के मतलब कि स्टूडेंट्स, टीचर्स सारे बहुत अच्छे हैं। हमारे मनीष सर बहुत अच्छे, वो हम लोग के बहुत केयर करते हैं हर चीज़ पे। बहुत अनुभव रहा यहाँ पढ़ाई का? बहुत अच्छा रहा यहाँ। मैं ना 15 ईयर से पढ़ाई कर रही हूँ, क्लास नर्सरी से यहाँ पढ़ रही हूँ और आज मेरा 14 ईयर्स कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ 10th किया, मेरा बोर्ड होने वाला है। बहुत मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि मैं इस स्कूल के स्टूडेंट स्कूल का एक छात्र हूँ। आज मैं खुश हूँ कि मैं हंसराज पब्लिक स्कूल से पढ़कर जा रहा हूँ। यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे स्कूल बहुत बड़े नाम है, पर सबसे अच्छा का पढ़ाई में सबसे अगर कोई अच्छा है तो हंसराज पब्लिक स्कूल। यहाँ के टीचर में जो मेहनत करते हैं उसके सामने किसी के कोई भी स्कूल के टीचर नहीं करते हैं। हर यहाँ की सबसे ज़्यादा पढ़ाई और सबसे पहले यहाँ की शुरुआत होती है। और इसके जैसे मैं कहूँगा यही कि जो इसको जिसके भी पढ़ना है तो सबसे पहला हंसराज पब्लिक स्कूल होना चाहिए। वहीं हंसराज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मनीष रुखियार ने कहा कि 9वीं के छात्रों के द्वारा सीनियर छात्रों को फेयरवेल पार्टी दी गई, साथ ही साथ वो अपने जीवन में आने वाले प्रतियोगिताओं में बेहतर परिणाम लाएं, इसके लिए उन्हें उत्साहित भी किया गया। परंपरा के अनुसार अनुशासन तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि विगत कई सालों से हमारे स्कूल का परिणाम पूरे मगध प्रमंडल में सबसे बेहतर आ रहा है। वहीं पिछले साल 10th की परीक्षा में स्कूल की एक छात्रा ने पूरे प्रमंडल में अव्वल स्थान लाया था, जिसमें स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे गया जिले का नाम रोशन हुआ। स्कूल के शिक्षक बच्चों के ऊपर कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनका भविष्य बेहतर बनाया जा सके और परीक्षा में परिणाम भी बेहतर आए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। स्कूल प्रबंधन से जुड़े सभी लोग बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ कहा डायरेक्टर ने आपको, हम सुना रहे हैं। क्या कार्यक्रम है, किस तरह से सेलिब्रेट की जा रही है? आज हमारे विद्यालय हंसराज पब्लिक स्कूल में बोधगया खांटी हमारा हेड ब्रांच है और इस ब्रांच में आज हमारे यहाँ क्लास 10 जिसका सेशन है 2021-23, उन लोगों का फेयरवेल हमारे
उनके ठीक नीचे वाले बैच जो 2022-24 के 9th क्लास में अभी हैं, वे लोग ने क्लास 10 का एक फेयरवेल का आयोजन किया। फेयरवेल का आयोजन करने के पीछे हमारे क्लास 9 के सारे बच्चों का ये मकसद था कि जो उनके भैया है, जिसको वे लोग भैया दीदी कहते हैं क्लास 10 को, उनका एग्जामिनेशन में वो बहुत एक्साइटेड होकर एग्जामिनेशन दे, अच्छी तैयारी करें। और वैसे भी गया शहर में लगातार 8 वर्षों से, ये बात सारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी पता है कि 8 सालों से हमारे विद्यालय में हमारे बच्चे मगध जिला में टॉप करते आ रहे हैं। जैसे पिछले साल 98.5% एक लड़की टेक्ना फॉर्म की एक लड़की ने लाकर पूरे मगध में रिकॉर्ड ब्रेक की थी, और एक मध्यम परिवार की वो लड़की थी जो पिछले साल जिसने टॉप भी किया। और इस बार भी हमारे यहाँ से काफी बच्चे अपियर हो रहे हैं, 243 बच्चे अपियर होंगे क्लास 10 में, जो 2023 में अभी जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी से, उसमें अपियर होंगे। और मेरी भी शुभकामनाएं उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि 2 साल 9th और 10th जिस हिसाब से हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजमेंट, हमारे जितने भी लोग हैं, इन्होंने जो 10 मेहनत करते हैं, 7 पीरियड पढ़ाई के अलावे भी वो अलग से अनुशासन में नहीं रहे। और हमारे हंसराज विद्यालय, हंसराज स्कूल गया सर में अनुशासन को लेके काफी मशहूर रहा है, और अनुशासन को हम हमेशा प्राथमिकता दी है, क्योंकि अनुशासन के बल पे ही अच्छी पढ़ाई पॉसिबल है। जब तक क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं रहेगा, तब तक टीचर अपना एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा अपना टीचिंग को वो दे नहीं पाएंगे। और इस बार जो क्लास 10 के बच्चे अपियर हो रहे हैं, मुझे पूरा आशा है कि वो इस बार भी हमारे विद्यालय का, हमारे स्कूल हंसराज पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करेंगे हर साल की तरह, क्योंकि लगातार 8 सालों से हमारा स्कूल मगध जिला में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते चला रहा है।